आज है मदर डे, तो आप सभी को हैप्पी मदर डे। तो मदर डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, सभी मम्मियों को। और आज इलेक्शन भी है साथ साथ, तो हमारे पास आज गांव में मैरिज भी है और इलेक्शन भी है और आज मदर डे भी है, तो तीन तीन खुशी एक साथ हो गई हैं। तो अभी हम जा रहे हैं गांव और काफ़ी टाइम हो गया है, अभी 12 बज चुके हैं, लेट हो गए हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। और मैंने ये वाला सूट डाला है, अभी सुबह की चाय भी अभी पी रही हूँ मैं, सुबह की चाय भी नहीं पी मैंने अभी, अभी नहा के बस सारा काम फिनिश किया अभी और अभी फ्री हुई हूँ। तो अभी निकलने वाले हैं गांव के लिए और मैंने ये वाला, गर्मी है इसीलिए ज़्यादा मैंने वो नहीं डाला, ये कॉटन का ही डाल लिया, कॉटन का है ये। तो अभी थोड़ी देर में आपको मिलते हैं, मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए, तो बच्चे भी तैयार हो गए हैं, पीछे भूमिका खड़ी है, भूमिका कह रही है मेरी वीडियो बनाओ। हेलो हेलो। तो आज वोटिंग है और वोट अपने किसी अच्छे उम्मीदवार को ही देना, किसी के दबाव में आके वोटिंग ना करना और वोटिंग बहुत अच्छे उम्मीदवार को देना अपना भविष्य देखते हुए आगे। तो हम भी पहले जाके हम शायद वोटिंग करेंगे, उसके बाद हम मैरिज में जाएंगे, देखते हैं अगर भीड़ होगी तो खाना वाना खा के फिर हम वोटिंग के लिए जाएंगे, और अगर भीड़ नहीं होगी तो हम पहले वोटिंग करते हुए, क्योंकि जो वोटिंग का जहाँ पे हमारे गांव में वोटिंग होती है तो वो पहले पड़ता है, स्कूल है सरकारी स्कूल, उसमें होती है वोटिंग, देख लेंगे हम जाते हुए, अगर भीड़ ना हुई तो हम पहले वोटिंग करेंगे और फिर जाएंगे खाना खाने के लिए। और मैं आपको अपने सूट का एक बार पूरा व्यू दिखा देती हूँ, कल ही उठा के लाई हूँ, एक महीने से मैंने दिया हुआ है टेलर को और काफ़ी दिनों में दिया उसने, और 750 रुपये का मैंने ये सूट लिया था, कॉटन का है सिंपल सा, लेकिन 750 रुपये का है, अच्छा है, तो अच्छा है। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ व्यू, तो गाइस जब हम आ गए हैं गांव और ये गांव का व्यू है और यह है छोटी सी गुड़िया रानी, और अभी हमने वोटिंग नहीं की है, वोटिंग के लिए हम बाद में जाएंगे क्योंकि वहां पे भीड़ हो रही थी, तो पहले मैरिज में चले गए खाने के लिए क्योंकि मैरिज में भी लेट हो जाते, इसलिए यहां गए हैं मैरिज में अब हम। और यह है बड़ी दीदी गीता दीदी और ये हैं दोनों इनकी बेटियाँ, ये मेरे से बड़ी हैं दीदी। और अब हम दोबारा से कविता के घर आ गए हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ बच्चों को हो रहा है कि हम छोटी सी गुड़िया को थोड़ा सा खिला लेते हैं, तो भूमिका इसको कितनी केयर से चुप करा रही है देखो, तो बच्चों को बड़ा शौक होता है छोटे छोटे बच्चों को खिलाने का। और तो अभी हमारे घर के आगे से जो बारात जा रही है, सब जो बाराती हैं वो नाचते हुए जा रहे हैं और हम घर के बाहर गेट पे खड़े होके देख रहे हैं बारात। यहाँ कविता, हम यहाँ आए हैं अपने मंदिर में जिनकी हम पूजा करते हैं, समाध वाले बाबा जी, ये गुरु गोरखनाथ बाबा जी हैं शायद, तो इतना मुझे इनके बारे में नहीं पता। और ये बाबा जी की धुनी है बाबा जी की, इधर यहाँ पे ऐसे इधर बाबा जी की ऐसे समाध बनी हुई है, और यहाँ पे इधर होल है, तो हम इनकी ही पूजा करते हैं। और जो अभी हमने पूजा करानी थी फ्राइडे को, तो इन्हीं बाबा जी की पूजा करानी थी हमने फ्राइडे को, तो उसके बाद खाना पीना था सबका। और फ्राइडे को ठीक, मतलब कहते हैं ना, जब भगवान को मंजूर होता है तभी होता है, जब भगवान को मंजूर नहीं होता ना वो हम कुछ नहीं कर सकते, तो जहाँ भगवान की मंजूरी होती है वहाँ काम अपने आप ही हो जाते हैं, तो शायद बाबा जी को मंजूर नहीं था इसलिए हमारा जो वो पूजा हो नहीं पाई।
लेकिन जब बाबा जी को मंजूर होगी तभी होगी वो पूजा हमारी। तो और उस दिन कहते हैं ना, जो भी करते हैं भगवान ठीक ही करता है, ठीक के लिए ही करता है। उस दिन आज मेरी सास बोल रहे थे कि ठीक किया हमने उस दिन पूजा नहीं कराई, क्योंकि उस दिन बहुत तूफान आया और खाने पीने के जो भी सामान था उसमें सारे में फिर मिट्टी मिट्टी भर जाती। तो शायद भगवान जी ने भी कुछ सोच के ही वो किया होगा, क्योंकि उस दिन तूफान बहुत बहुत ज़्यादा तूफान आया था उस दिन। शायद मैंने उस दिन वीडियो भी बनाई थी, और तूफान मतलब काफ़ी यहाँ भूस जैसे गांवों में वो गेहूं कट रही है ना, तो उसकी वजह से जैसे सारा भूस वगैरह था जो वो सब घरों में घुस गया था मतलब, और फिर खाने पीने में भी सारा भूस वगैरह चला जाता। तो इसलिए कहते हैं जो भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, हमें हर काम में भगवान के अच्छा ही सोचना चाहिए कि भगवान ने जो किया हमारे लिए अच्छा ही किया। तो अभी घर जाएंगे हम, निकलेंगे थोड़ी देर में, और मैं आपको बैक व्यू करके जो यहाँ का पूरा दिखाती हूँ नज़ारा। इधर साइड में वो देखो यहाँ पे जो तालाब है, अभी यहाँ सामान काम लग रहा है अभी। कुत्ता हाय, हेलो हेलो, पहले मैं इधर रास्ते से बिठा के लाई, फिर ये मेरे को उठा के लाई। अच्छा हेलो कर दे वंश। हाय हाय, साइकिल पे आ गए दोनों हम, हम बाइक पे आए और ये पीछे पीछे आ गए हमारे दोनों। और भूमिका, भूमिका कहाँ गई? भूमिका हैंडपंप चला रही है भूमिका, वो देखो इधर। तो बच्चे तो मस्त हो जाते हैं गांव में। ओके गाइस, तो अब हम घर के लिए निकलेंगे। तो यही मेरा छोटा सा एक गांव का वीडियो था, और गांव आके मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे ब्लॉगिंग भी करनी है। गांव में बड़ा मन लग जाता है आके, और फिर सबके काफ़ी दिनों बाद गांव आते हैं तो सबके साथ बातों में लग जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर बातें करने लग जाते हैं, तो फिर काफ़ी देर हो जाती है बातें करते हुए। और ये कुछ हमने फ़ोटोएँ ली थी गांव में, ये मेरी दोनों भतीजियां हैं और ये मेरे घर की है कुछ फ़ोटोएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर लेना और चैनल को कर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।